तो आखिरकार 70 साल का इंतजार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को रिटर्न गिफ्ट दिया। नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ा तो अपने नए घर में चीतों ने फूर्ति के साथ एंट्री ली। इस तस्वीर के साथ 17 सितंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटर्न गिफ्ट के जरिए जब 70 साल का इंतजार खत्म कर दिया। पिंजड़े में बंद 8 मेहमानों को पीएम मोदी ने जंगल में आजाद किया तो नई जगह नए माहौल में घुलने की उत्सुकता चीतों के हाव भाव में भी नजर आई। नए घर में बड़ी ही फुर्तीली चाल के साथ चीतों ने प्रवेश किया और फिर 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पूरा कूनो नेशनल पार्क चीतों का नया पता बन गया, जो उनकी रफ्तार का नया ठिकाना है। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1900 प्रवास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। नामीबिया से भारत आए 8 चीतों को पहले नामीबिया में ही क्वारंटीन किया गया था। उसके बाद स्पेशल प्लेन से 8 चीतों को ग्वालियर के रास्ते कूनो नेशनल पार्क लाया गया। विशेष विमान से नामीबिया से ग्वालियर पहुंचे 8 चीते, हेलीकॉप्टर के जरिए ग्वालियर से कूनो पार्क पहुंचे चीते। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बाड़े में रखा गया। बाड़े में ही 8 चीतों को क्वारंटीन रखा गया, जिसके बाद कूनो नेशनल पार्क के जंगलों में पीएम मोदी ने 8 चीतों को छोड़ दिया। जिन 8 मेहमानों से कूनो नेशनल पार्क गुलजार हो गया। तो 75 साल बाद आखिरकार वो मौका आ ही गया जब चीतों को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ना होगा बल्कि कूनो नेशनल पार्क में चीते की रफ्तार को देखा जा सकेगा। खत्म हुआ 70 साल का इंतजार। कूनो पार्क में दिखेगी चीतों की रफ्तार। जन्मदिन पर पीएम मोदी का रिटर्न गिफ्ट। इस तस्वीर के साथ 17 सितंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटर्न गिफ्ट के जरिए जब 70 साल का इंतजार खत्म कर दिया। पिंजड़े में बंद 8 मेहमानों को पीएम मोदी ने जंगल में आजाद किया तो नई जगह नए माहौल में घुलने की उत्सुकता चीतों के हाव भाव में भी नजर आई। नए घर में बड़ी ही फुर्तीली चाल के साथ चीतों ने प्रवेश किया और फिर 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पूरा कूनो नेशनल पार्क चीतों का नया पता बन गया, जो उनकी रफ्तार का नया ठिकाना है। नामीबिया से भारत आए 8 चीतों को पहले नामीबिया में ही क्वारंटीन किया गया था। उसके बाद स्पेशल प्लेन से 8 चीतों को ग्वालियर के रास्ते कूनो नेशनल पार्क लाया गया। विशेष विमान से नामीबिया से ग्वालियर पहुंचे 8 चीते, हेलीकॉप्टर के जरिए ग्वालियर से कूनो पार्क पहुंचे चीते। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बाड़े में रखा गया। बाड़े में ही 8 चीतों को क्वारंटीन रखा गया, जिसके बाद कूनो नेशनल पार्क के जंगलों में पीएम मोदी ने 8 चीतों को छोड़ दिया। जिन 8 मेहमानों से कूनो नेशनल पार्क गुलजार हो गया, उसमें पहली मादा चीता की उम्र 2 साल है, दूसरी मादा चीता की उम्र 3 से 4 साल है, तीसरी मादा चीता की उम्र 2.5 साल है, चौथी मादा चीता की उम्र 5 साल, वहीं पांचवी मादा चीता की उम्र 5 साल है। पहले नर चीता की उम्र 5.5 साल, दूसरे नर चीता की उम्र भी 5.5 साल है, तीसरे नर चीता की उम्र 4.5 साल है। इन चीतों को लाने से लेकर इनको बसाने के लिए पहले पूरा अध्ययन किया गया था, जिसके बाद ही कूनो नेशनल पार्क में बसाने का फैसला लिया गया था। पार्क में अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं, चारों तरफ से फेंसिंग की गई है, सभी बाड़े आपस में जुड़े हुए हैं, नर और मादा चीतों के लिए अलग अलग बाड़े हैं। एक वक्त के बाद जब चीते कूनो नेशनल पार्क के वातावरण को समझ जाएंगे, उसमें ढल जाएंगे, तो इन चीतों को बाड़े से बाहर खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जिससे 70 साल बाद देश में चीतों की रफ्तार दिखाई देगी और इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी कूनो नेशनल पार्क को नई पहचान मिल गई।
तो खास मेहमान देश की धरती पर कदम रख चुके हैं 70 साल बाद, अब भारत में भी दौड़ते हुए चीते नजर आएंगे। 1947 में देश में आखिरी चीता देखा गया था। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1952 में चीते को देश में विलुप्त घोषित किया था। नामीबिया से आए इन चीतों को शुरुआत में एक स्पेशल बाड़े में रखा जाना है। आज जब 8 चीते 75 साल करीब करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं, इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। आसमान में छिपा था धरती पर तेज रफ्तार का राग, और जैसे जैसे बादलों ने रास्ता दिया वो सामने नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में चीता अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा हो। जिस प्लेन में सवार होकर नामीबिया से ग्वालियर पहुंचे 8 चीते, उस प्लेन के अगले हिस्से पर चीते का चेहरा बनाया गया था। सफेद रंग का प्लेन तेज रफ्तार से उड़ान भरता हुआ मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। इससे पहले अफ्रीकी देश नामीबिया पहुंचे इस प्लेन में उन 8 मेहमानों को पूरी सतर्कता के साथ बैठाया गया, और जब नामीबिया से भारत के लिए प्लेन ने उड़ान भरी तो देशवासियों की नजरें आसमान पर टिकी हुई थी। इन दो तस्वीरों के बीच का समय लोगों को रोमांचित कर रहा था, और जैसे ही ग्वालियर के एयरबेस पर पहुंचा स्पेशल प्लेन तो कुनू नेशनल पार्क के गुलजार होने का रास्ता साफ हो गया, और 70 साल का वो इंतजार भी खत्म हो गया जिसमें चीते सिर्फ किताबों का हिस्सा हुआ करते थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कटिहार से, ये बड़ी खबर आ रही है। थाने पर